हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज शिवानी झा टुडे वी आर डिस्कस अबाउट जियो पॉलीमर कंक्रीट तो आज के हम इस टॉपिक में देखेंगे जियो पॉलीमर कंक्रीट क्या होते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यूज होते हैं जियो पॉलीमर कंक्रीट को बनाने में हम जियो पॉलीमर्स को सिंथेसाइज कैसे करते हैं वॉट आर द एडवांटेज ऑफ जियो पॉलीमर कंक्रीट एंड वट आर द डिसडवाटेज ऑफ जियो पॉलीमर कंक्रीट नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सो so फर्स्टली हम कन्वेंशनल कंक्रीट का देखते हैं कि कन्वेंशनल कंक्रीट क्या होते हैं एंड ये कैसे बनते हैं कन्वेंशनल कंक्रीट वो होते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर बट इन जियो पॉलीमर कंक्रीट इसमें सीमेंट एंड वाटर दोनों ही चीजें यूज नहीं होती नॉट द क्वेश्चन इज कि अगर सीमेंट एंड वाटर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम बाइंड कैसे करेंगे सारे मटेरियल को सो so, जियोपॉलीमर बाइंडिंग का काम जो है वो अल्कलाइन मटेरियल करते हैं नाउ अल्कलाइन मटेरियल्स क्या होते हैं सो अल्कलाइन मटेरियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एन एंड सोडियम सिलिकेट एन ए ये दोनों ये जो है अल्कलाइन मटेरियल ये इसमें बाइंडिंग का काम करती हैं जियो पॉलीमर कंक्रीट में तो जियो पॉलीमर कंक्रीट जो है ये एक केमिकल रिएक्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बाइंडिंग प्रोसेस के लिए इसी वजह से इसको पॉलीमराइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं एंड इस कंक्रीट का नाम है जियो पॉलीमर कंक्रीट इसी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की वजह से इस कंक्रीट का नाम जियो पॉलीमर कंक्रीट है नाउ हाउ जियो पॉलीमर्स आर सिंथेसाइज्ड सो फर्स्ट बाई अल्कलाइन एक्टिवेशन एंड सेकेंड रॉ मटेरियल्स जो कि है एल्यूमिनो सिलिकेट एंड अल्कलाइन एक्टिवेटर अल्कलाइन एक्टिवेटर हमारे हाइड्रोक्साइड्स और सिलिकेट्स हैं नाउ वॉट आर द इनग्रीडियंट्स ऑफ मेकिंग जियो पॉलीमर कंक्रीट सो फ्लाई एश एग्रीगेट एन ए ओ एच जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एन ए टू एस आई ओ थ्री दैट इज सोडियम सिलिकेट प्लस इसमें ओवन क्यूरिंग भी होती है एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस थ्री टू फोर डेज के लिए वैसे थ्री डेज़ के लिए की जाती है नाउ इसके एडवांटेज क्या हैं जियोपोलीमर कंक्रीट के सो so, ये हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है इसका ये लोअर श्रिंकेज होती है इसमें थर्ड रैपिड स्ट्रेंथ गेन करता है ये जो स्ट्रेंथ गेन करता है वो रैपिडली करता है ये फोर्थ लेस पोर्स स्ट्रक्चर है ये फिफ्थ ग्रेटर कोरोजन रेजिस्टेंट है सिक्स्थ सब्सटेंशली हाईली फायर रेजिस्टेंस सेवेंथ ग्रीन हाउस कैसे रिडक्शन होता है इसमें अप टू नाइन्टी परसेंट एज कंपेयर टू ओ पी सी नाउ वट आर द डिसएडवांटेज ऑफ जियो कंक्रीट इसमें जो है ये हमारी ओवन uh, क्योरिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है बस यही इसमें एक डिस एडवांटेज होता है बाकी नॉर्मल कंक्रीट जो है वो हम नॉर्मली टेम्परेचर पे रख देते हैं तो वो ड्राइड uh, हो जाती है मतलब नॉर्मल हम सनलाइट के नीचे रख देते हैं तो इसमें इसको ओवन ड्राई की ज़रूरत पड़ती है बस इसका यही एक डिसएडवाटेज है आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल